हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। तो चलिए हम मेंसुरेशन के पार्ट थ्री में बात करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं तो हम उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेंसुरेशन के पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो आप वहां से जाके पार्ट वन पार्ट टू देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मेंसुरेशन के जो बेसिक्स हैं, जो फॉर्मूले, जो ट्रिक्स यूज की गई हैं यहाँ पर, वो सब आपको पार्ट वन में और पार्ट टू में मिल जाएगा। तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो सिंपल से न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन ए क्लास रूम विद लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 9 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो जो आपका रूम है, रूम की जो लंबाई दी हुई है वो 20 मीटर दी हुई है और जो चौड़ाई दी हुई है वो क्या 9 मीटर दी हुई है, ठीक है। ओके, तो हमारा रूम का एरिया निकाल लेंगे। ईच स्टूडेंट्स रिक्वायर स्पेस ऑफ, इतना स्पेस चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट्स को, ठीक है। इतना एरिया चाहिए 90 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास ये इतना एरिया है, ठीक है, मेरा रूम इतना एरिया का, एक व्यक्ति को इतना एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि पहले निकालूंगा पूरा इसका रूम का एरिया निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा कि एक व्यक्ति को कितना एरिया चाहिए, फिर मैं क्या करूँगा कि पूरे रूम के एरिया में से एक व्यक्ति का एरिया घटा वो डिवाइड कर दूंगा। तो जो भी नंबर आएगा उतने लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम मैंने यहाँ पर किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एरिया ऑफ द रूम, रूम का एरिया निकाला मैंने, फिर क्या किया, एरिया ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर वन स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति को बैठने के लिए जितना जरूरत है उतना मैं निकाल लिया। तो फिर डिवाइड कर दूंगा तो नंबर आ जाएगा कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने किया एरिया ऑफ द रूम, अब रूम का दिया हुआ यहाँ पर 20 मीटर और इंटू 9 मीटर, तो यहाँ पर 20 और ये 9 है, लेकिन हमारा जो नीचे दिया वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो 20 इंटू 100 ये इतना सेंटीमीटर हो गया, 9 इंटू 100 ये इतना सेंटीमीटर हो गया, अपॉन में नीचे भी यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 90 इंटू 80 इसको हमने लिख लिया सेंटीमीटर में। तो हम इसको क्या है डिवाइड करेंगे तो इतने से इतने ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो 250 स्टूडेंट्स इस जो रूम है उसमें बैठ सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया 250 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पर देखते हैं। द प्राइस ऑफ पेंट इज 100 पर केजी, मतलब जो पेंट है उसका जो प्राइस है वो क्या है, वो प्राइस है कि 100 रुपए पर केजी, मतलब एक किलोग्राम मिलता है वो 100 रुपए में मिलता है, है? तो देखिए एक किलोग्राम ऑफ पेंट कवर्स 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो मतलब जो एक किलोग्राम है उससे हमारा कितना कवर हो जा रहा है, 25 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो कवर हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट द इनर वॉल एंड द सीलिंग ऑफ रूम हैविंग 6 मीटर ईच साइड, ठीक है। जो हमारा दिया हुआ है इनर वॉल्स एंड द सीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इनर वॉल्स हो गई, तो जो स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो इनर वॉल्स में जो एरिया आएगा, एक वॉल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, अगर मैं उसको ए मान लेता हूँ साइड, तो एक वॉल का एरिया आ गया ए स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर इनर वॉल्स में कितनी 4 वॉल्स होंगे, ठीक है, 4 दीवारें होंगे, ठीक है, चारों तरफ। तो हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सीलिंग जो भीतरी छत होती है कमरे की, उसका भी तो एरिया ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम उसको भी ए स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एरिया टू बी पेंटेड इक्वल टू एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, 4 दीवार होंगी, ठीक है। जो क्यूब होगा तो क्यूब में क्या होगा, एक ऊपर वाला पोर्शन होगा और चारों साइड्स वाला होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जो 4 वॉल्स होंगे प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग होंगे। जैसे कि अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो चारों दीवार, 4 दीवार होंगे आपके रूम की, तो ये एरिया चारों दीवारों का प्लस जो आपकी छत होती है, भीतरी छत होती है, उसका पेंट करना है, ठीक है। तो उसका भी एरिया इतना ही होगा, तो 4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपका ए की वैल्यू यहाँ पर 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 5 ए स्क्वायर, तो 5 और आपने ए स्क्वायर कर दिया, तो इतना आ गया आपका 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करने हैं कॉस्ट, कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है ना। तो जो इतना स्क्वायर आ गया आपका, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 25 मीटर स्क्वायर एक किलोग्राम ऑफ पेंट, मतलब एक किलोग्राम पेंट में 25 मीटर स्क्वायर को पेंट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना एरिया ऑफ द पेंटेड एरिया कितना 180 मीटर, अब इतना 25 मीटर स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया तो इतने क्या जाएगा इतना, ठीक है। तो इतना हमारा
पोर्शन आ जाएगा जो कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। कैसे? जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 25 जो मीटर स्क्वायर है उसका जो पेंटेड का रुपीस है वो कितना खर्चा आ रहा है, 100 रुपीज़, ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में हम जो पेंटिंग कर पा रहे हैं और 25 मीटर स्क्वायर कर पा रहे हैं और उसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया निकाला, उसमें 25 से डिवाइड कर दिया तो जो भी चीज़ आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा कि मुझे जो चारों दीवार हैं और जो सीलिंग है रूम की उन सबको पेंट कराने के लिए कितना रुपए चाहिए। तो 720 इज द राइट आंसर। आई होप आपको एक छोटा सा बेसिक आइडिया आ गया होगा मेंसुरेशंस के बारे में कि किस तरह से इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिगार्डिंग से वीडियोज मिलते रहेंगे और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।